अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस सिविलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम उर्दू कवायद इंशा चौथी जमात के लिए। ग्रामर या कवायद आपने पढ़ा है, समझा भी है और नोटबुक पर लिखा भी है। हार्फ और लफ्स ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, आपने याद भी किया है और आपकी नोटबुक पर भी ये काम मौजूद है। लफ्स और लफ्स की एग्जाम भी आप पढ़ चुके हैं, यकीन है आपको याद भी होगा और आपने नोटबुक पर भी लिख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे जुमला। जुमला अल्फाज की वो खास तरतीब जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए जुमला कहलाता है, यानी अल्फाज को खास तरतीब से जोड़कर लिखना जिससे मतलब पूरा समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमुओं को जुमला कहते हैं। मजमू कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा अल्फाज जमा हो जाएं, उनको तरतीब से लिखें तो जुमला बनता है, वरना जुमला नहीं बनता। महज अल्फाज के मजमू से बात पूरी तरह समझ में नहीं आती। महज कहते हैं सिर्फ अल्फाज के मजमू से बात पूरी तरह समझ नहीं आती। अगर हम बहुत सारे अल्फाज एक जगह पर जमा कर लें तो जब तक हम उनको तरतीब से नहीं लिखेंगे, एक पूरा जुमला नहीं बनाएंगे, तो तब तक हमें बात समझ नहीं आएगी। जब तक इनको ख़ास तरीके और ख़ास तरतीब से लिखा या बोला ना जाए, तब तक हमें समझ नहीं आती और जुमला भी नहीं बनता। मिसालें देखें, सुबह गए सब स्कूल बच्चे। ये हमारे पास मजमू तो मौजूद है अल्फाज का, लेकिन ये जुमला नहीं है। ने खाए आम ताज़ा सब, इन जुमलों में अल्फाज का मजमू तो है, जमा तो है हमारे पास अल्फाज, लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रही कि ये जुमला है या अल्फाज है। यहाँ पर अल्फाज जमा है, अब जुमला कैसे बनाएंगे? मगर अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं, इसलिए इनको जुमला नहीं कहेंगे। इन जुमलों को दोबारा सही तरतीब के साथ इस तरह लिखेंगे, सुबह सब बच्चे स्कूल गए, सब ने ताज़ा आम खाए। अब जब हमने सुबह सब बच्चे स्कूल गए, मिसाल में सुबह गए सब स्कूल बच्चे, ये जुमला नहीं था, ये अल्फाज का मजमू था। सुबह सब बच्चे स्कूल गए, अब ये क्या बन रहा है हमारे पास? जुमला बन रहा है। सब ने ताज़ा आम खाए, ये दूसरा जुमला। अब दोनों जुमले दुरुस्त हैं। दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज के मजमुए को कलाम कहते हैं। बामानी जो मानी रखता हो, जिसका मानी मतलब हमें समझ में आती हो। अल्फाज के मजमुए जहाँ पर अल्फाज जमा हो रहे होते हैं, उसको कलाम कहते हैं। कलाम जो हम मुँह से बात बोल रहे होते हैं, ज़ाहिर वो बात तरतीब से बोल रहे होते हैं। दर्जल अल्फाज को तरतीब देकर मुकम्मल जुमले बनाए। यहाँ पर आपको कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, करो अदा रोज़ हर नमाज। अब ये जुमला दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर अल्फाज का आपके पास मजमू है, लेकिन आपने जुमला कैसे बनाना है, एक जुमला मैं आपके सामने बनाती हूँ ताकि आपको तरीका आ जाए जुमला बनाने का। करो अदा रोज़ हर नमाज, इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हर, हर उसके बाद रोज़, हर रोज़ उसके बाद नमाज, हर रोज़ नमाज अदा करो, अदा करो। हाथ खाना पहले खाने से धो लो, है बात को अच्छी सोना जल्दी रात, चाहिए सुबह जल्दी उठना, बहुत इमरान है जहीन। एक जुमला मैंने आपके सामने बनाया, बाकी सारे जुमले ऐसे बनेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो बार बार आप जुमला को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और ये जुमले आपको होम टास्क दिया जा रहा है, ये आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप ये जुमले ठीक बना लेंगे तो आप समझें कि आपको जुमला समझ आ चुका है, और आपको ये अच्छे तरीके से तब समझ आएगा जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और ख़ुद कोशिश करके ये जुमले आप खुद ठीक करेंगे, इनकी तरतीब आप खुद दुरुस्त करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।